मज़ा आ रहा था भाई साहब। आज पहली बार पहाड़ पे चलाइए, ड्राइविंग करिए, तो मज़ा आया, मतलब एक्सपीरियंस जो रहा एक नंबर एक्सपीरियंस। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन, नई वीडियो में आपका दोबारा से भरपूर स्वागत है। और आज का जो विषय है वो ये है कि मैं जा रहा हूँ पापा के साथ साइड पे, इन द सेंस मैं जा रहा हूँ पहाड़, ठीक है। गाड़ी हमारी तैयार है और गाड़ी के अंदर रख रखे हमने टायर, एक मिनट खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो, एक टायर यहाँ है और दूसरा टायर यहाँ है। तो ये दोनों टायर हमने अपनी इस मशीन में से खोल के और इसमें रख दिया है गाड़ी में, क्योंकि जो साइड पे हमारी मशीन चल रही है उस पे ज़रूरत है टायरों की, तो इसमें से खोल के हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, सिंपल है ना। और टी शर्ट पहन रखी है हमने, ये नेशनल फूड ऑफ इंडिया कसम, वही डी मार्ट वाली, फरीदाबाद वाली। तो विचार ये है कि मैं और पापा जा रहे हैं दोनों, है ना, और कम से कम जो डिस्टेंस है कोटद्वार से और जहाँ मशीन चल रही है पीपल पानी, लगभग होगा 120 समथिंग एप्रोक्स के आसपास, मतलब दूर है, कम से कम लगेंगे 3-3.5 घंटे, है ना। तो पहुँचते हैं वहाँ। इतने मैंने गाड़ी वाड़ी अपनी साफ करके एकदम कर दी रेडी, और पापा भी बस आने वाले हैं और सब चीज़ हमारी रेडी है। मैं फटाफट से पानी की बोतल भर के और गाड़ी में रख लेता हूँ, ठीक है। और कल काफ़ी रात को बहुत ही बुरा हाल हो गया था, मतलब आंधी इतनी आई थी बहुत और बारिश भी आई थी, जिससे सारे में पानी पानी हो गया, पत्ते हो गए, सब चीज़ झड़बड़ गई है। पर ये है कि बारिश से पत्ते वत्ते जो है पेड़ पौधे ये साफ हो गए, धुल गए, बहुत बढ़िया हो गया। खैर, और साफ तो हो गए पर जिनकी फसल कटने वाली थी वो दुखी हो गए होंगे। तो खैर बहरहाल, फटाफट से अपना काम करते हैं और निकलते हैं पहाड़ के टूर पे, ठीक है। तो स्टे ट्यून। तो भाई पहला स्टॉप लिया है, अभी टायर लग रहा है हमारे गाड़ी के बैक शीशा है जो मेन बड़ा वाला, उसमें लग रहा है टायर बड़ा वाला पीछे, तो उसको रोकने के लिए बांधने के लिए रुके हैं इस टाइम। और पहला अटैम्प है मेरा गाड़ी चलाने का आज पहाड़ में, तो भाई साहब थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही है, गला भी सूख रहा है, पर मज़ा बहुत आ रहा है। लगभग चल दिया हूँ अभी तक ऐसे कुछ 20-25 किलोमीटर, है ना, पर भाई अखंड मज़ा, जो मज़ा आ रहा ना चलाने में, काफ़ी मज़ा आ रहा चलाने में भाई साहब गाड़ी पहाड़ पे। हाथ मेरे यूं घूमते जा रहे हैं, बस काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा आज तो। ये जीप वाले जन कैसे चला लें भैया, और पापा कैसे चला लेते, मतलब इतना सफ़र पहाड़ का ना, बहुत गजब। खैर मेरा पहाड़ों पे अलग ही मज़ा आ रहा है, वादियों में अलग ही सुकून है ना, और मस्त एक्सपीरियंस। ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करूँ पर मैं, हाँ वीडियो ज़्यादा नहीं बनाऊँगा क्योंकि गाड़ी चलाने में ध्यान लगाना है, मेरे को एकाग्रता रखनी है पूरी, तो भाई इसलिए अब जहाँ जहाँ रुकेंगे वहाँ वहाँ बनाऊँगा, ठीक है। तो क्योंकि भाई पहाड़ का सफर एंजॉय कर रहा हूँ पूरी, मजा आ रहा है एक नंबर, ठीक है। तो मिलते हैं साइट पे पहुंच के।
जी ब्रादर, इस टाइम मशीन पर पहुंच गए हैं अपनी पे साइट पे, जो कि ज्वालपा से मैक्सिमम होगा 10-15 किलोमीटर हाइट पे। और इस टाइम जरा टायर बदलने की प्रक्रिया चल रही है मशीन की। यहाँ जो कोटद्वार से हम टायर लेके आए थे वो मशीन में लगा देंगे और मशीन के लेके चले जाएंगे दोबारा से कोटद्वार, है ना। तो यहाँ पे ये जो मलबा भरा पड़ा है ना सड़क के साइड में, इसको इसमें डंपर में डाला जा रहा है। तो और बाकी चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि क्या काम चल रहा है मशीन में। मशीन का पहले दिखाने से पहले तुम्हें मैं यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो बादल क्या मस्त हो रहे हैं, क्योंकि कोटद्वार में ऐसी चल रहा है ना मौसम थोड़ा सा गड़बड़ वाला। तो यहाँ का वातावरण देख लो पहले, काफी हाइट में, मतलब इतनी हाइट है कि अगर यहाँ से हम छलांग भी मारेंगे तो पैराशूट खुलेगा नहीं, इससे पहले नीचे पहुंच जाएंगे, है ना। तो खैर अभी टायर बदलने की प्रक्रिया चल रही है। उठेगी अभी, पल्ली तरफ से पकड़ना पड़ेगा। चलो भाई, मशीन का काम भी कंप्लीट हो गया और अब निकलेंगे हम घर के लिए वापस। तो रास्ता तुमने देखा ही होगा, सतपुली तक तो रास्ता था वन वे वाला, पतली रोड थी, और सतपुली के बाद रोड काफ़ी चौड़ी थी, रोड साफ भी थी, बढ़िया भी थी, मज़ा आ रहा था भाई साहब। आप पहली बार पहाड़ पे चलाइए, ड्राइविंग करिए, तो मज़ा आया, मतलब एक्सपीरियंस जो रहा एक नंबर एक्सपीरियंस। चलो फर्स्ट ट्राई था, थोड़ा सा नर्वस भी था, पर चलो कोई बात नहीं, वो सब हो गया और मज़ा भी आया भाई साहब गाड़ी चलाने में, एकदम अखंड मज़ा। टाइम हो रहा है 12:30 और मतलब अब खाना लेके आए हम अपने साथ, लंच पैक करवा के, लंच वंच करके और तब निकलेंगे अपने घर को रवाना। मौसम बढ़िया हो रहा है, एकदम बादल हो रहे हैं, क्या सेक्सी मौसम। सेक्सी मौसम के बीच हमारी दो महत्वपूर्ण गाड़ियाँ, ये तो देख ही रखी होगी ज़्यादातर घूमती फिरती कोटद्वार में, वो पहाड़ों पे मिलेगी, पहाड़ों की शेरनी। और रास्ते में हम आ ही रहे थे और इतने ही मेरा ये भी टूट के नीचे गिर गया, ये लगा हुआ था यहाँ पे,
और यहाँ से चलते चलते गाड़ी में से एकदम से नीचे गिर गया ऐसे, पता नहीं क्या हुआ, जिसकी ये जो चिपकन सी होती है ये ख़त्म हो गई, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से टूट के नीचे गिर गया। चलो इसको भी देखेंगे कोटद्वार में चल के, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया रास्ते की, पर कोई नहीं। की निकल गई एवरेज, 30 की एवरेज निकल गई अब। तो जी मित्रों, हमने टायर वायर उतार दिया अपने यहाँ मशीन के, ये देखो एक येरा और एक येरा, दोनों टायर लेके आ गए थे वहां से और दोनों उतार के रख दिए। और अब क्या काम होना है, अब इनमें चढ़वाएंगे हम गुड्डी ऊपर, पर अभी नहीं, कुछ टाइम बाद तो उसमें गुड्डी चढ़ेगी जब इसका काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी खैर गुड्डी बुड्डी तो नहीं चढ़वा रहे, अभी इसको इस डायरेक्ट इसमें लगा देंगे। ये देखो, ये खोल के लाए थे हम, बड़ी मेहनत लगी और बड़ी जोखिम भरे रास्ते पे हमने गाड़ी चलाई थी अपनी, मेरी तो फर्स्ट टाइम था, पर मेरा फर्स्ट टाइम क्लियर हो गया। तो ठीक है, वही तो ये टायर लगा देंगे और अब मैं निकलता हूँ घर के लिए, फिर मेरे को शाम को साइकिलिंग पे भी जाना है। ठीक है, तो अब तक के लिए यहीं तक था सफर। तो भाई फिलहाल का ये सीन है कि हमने मशीन में जो भी टायर वायर थे वो उतार दिए हैं और भाई अब आ गए हैं घर, मैं कर रहा हूँ गाड़ी खड़ी, है ना। तो भाई चाय वाय पीते हैं और जो भी कुछ सीन बनता है वो हम आपको बिल्कुल अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो काफी बढ़िया रहा सफर, एक्सपीरियंस बहुत लाजवाब गजब का। ठीक है, तो भाई पहुंचते हैं फटाफट से, कर दी गाड़ी हमने खड़ी, फटाफट से घर पहुंचते हैं, उसके बाद चाय पानी कुछ भी लेंगे, ग्रहण करेंगे, उसके बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो भाई गाड़ी तो कर दी खड़ी और एक मजे की बात बता देते हैं आपको, ये देखो एवरेज देख लो महाराज कितनी आ रही है इसकी, एक इसको ऊपर कर देता हूँ, हाँ अब ठीक है, ये देख लो एवरेज कितनी आ रही है, एवरेज आ रही है 30। तो महाराज कल पहाड़ के सफर में एवरेज मैंने निकाल दिया कि 30, कितनी खुशी की बात है, मतलब पहाड़ी के क्षेत्र में, पहाड़ वाले क्षेत्र में एवरेज तुम निकाल रहे हो 30, और वो भी ऐसी गाड़ी की कि जिससे उम्मीद थोड़ी कम की जाती है, महिंद्रा, महिंद्रा बुलेरो रफ एंड टफ गाड़ी है, इस मामले में तो कोई दोहराई नहीं है इसमें, पर एवरेज के मामले में तो भाई साहब इसने कर दिया मारुति वाले फेल। तो ये जो खुशी का माहौल है ये पता लगता है जो गाड़ी चलाता है ना। तो खैर बहरहाल घर पहुंच लिए हैं और गाड़ी हमने कर दी अपनी सेफ जगह पे खड़ी, और पीछे देखो टायर रखने के बाद क्या हाल हो गया, ये देखो क्या निशान पड़ रहे हैं इस पे, अब इसको मेरी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको करनी पड़ेगी साफ, और काम ज्यादा है इसमें, पॉलिश वॉलिश मार के सेट करनी पड़ेगी क्योंकि घना ही ज्यादा काला काला हो गया है ये। तो चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं घर। ठीक है, और काफी बढ़िया रहा सफर भैया हमारा तो पहाड़ का, एक मिनट इसको भी देखना पड़ेगा यार, इसमें भी काफी कुछ करना बाकी रह रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, इसको कर देते हैं यहां से लॉक, पीछे से दिखाते हैं, ये तो खुल गई, ये हो गई लॉक। ओके मेहरबान कदरदान, अब हम निकल चुके हैं साइकिलिंग पे। ठीक है, और मिलेंगे कुछ हमारे यार दोस्त, उनसे भेंट करके उनसे बातचीत करेंगे, तब तक के लिए हम पहुंचते हैं वहां अपनी लोकेशन पे। मिस कैपनी क्या हाल है, हाल ठीक नहीं है, बीमार पड़ी है, अब उनकी साइकिल होगी खड़ी, और एक अब तो उन्हें कहाँ से लेगी उन दोनों को, उन्हें पकड़ेगी। चलो भाई घर जा रहे हैं अब, और मैंने ले रखे क्रीम रोल क्योंकि हमारी सिस्टर को क्रीम रोल पसंद है, पसंद क्या है मतलब
मैंने कही थी कि एक क्रीम रोल खिलाऊंगा, काफी बढ़िया बनाते हैं, तो ये नेगी बेकर के देवी मंदिर पे है। तो भाई तो घर जा रहा हूँ, क्योंकि एक बार बता दूं कि जो दोस्त आने थे वो आए नहीं, उनने हमारा बना दिया पोपट, है ना। तो अब घर की तरफ निकल गए हैं, और जिनने पोपट बनाया उनसे बाद में वार्तालाप करेंगे। तो भाई घर पहुंच रहा हूँ, और आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो उसको प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ब्लॉग्स टाइम टू टाइम तो पता नहीं, अभी एक ही आया है, दूसरे का पता नहीं। ठीक है, तो गुड बाय बाय बाय, राम राम।